जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके कुछ विचार आगे, अगर उसका पता चल जाए तो जानना कि जीवन का पता चला। उसके पहले जीवन का कोई पता नहीं है, बाकी सब मृत्यु है। भीतर अगर कोई ऐसा नित्य शाश्वत कुछ ऐसा जो सदा वही है जो है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा कोई बिंदु अगर उपलब्ध हो जाए तो जानना कि उस दिन से जीवन की शुरुआत हुई। उसके पहले तो सब मृत्यु की सारी प्रक्रिया है। इस मृत्यु की प्रक्रिया में, इस मरने की धारा में हम जो भी करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आपकी दुकान में क्या करते हैं, कि आप नौकरी करते हैं, कि घर बसाते हैं, कि पत्नी और बच्चों को पालते हैं, या कि घर बार छोड़कर साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, या कि जीवन के सामान्य क्रम में जीते हैं, या जीवन को छोड़कर उल्टे बहने लगते हैं जीवन के विरोध में, संन्यास में, संसार के विरोध में चलने लगते हैं, अधार्मिक है कि धार्मिक, मंदिर जाते हैं या नहीं, आस्तिक हैं या नास्तिक, गीता पढ़ते हैं या नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आप करेंगे इस जीवन की धारा में, वह सब आपको मृत्यु में ले जाएंगे, चाहे मंदिर जाए चाहे ना जाए। जो भी करेंगे इस जीवन की मरणशील धारा में, वह सभी आपको मृत्यु में ले जाएंगे। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो भी मनुष्य कर सकता है वह सब मरण धर्मा होगा। जो भी हम कर सकते हैं वह सब हमें मृत्यु में ले जाते हैं। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में एक कहानी के साथ विचार प्रकट करेंगे।